उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली के सलोन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की मनमानी चल रही है। हमारे संवाददाता सलोन ने जानकारी देते हुए बताया है कि यहां पर अस्पताल परिसर में मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है। यहां तक कि जब मरीज को लाने पर प्रथम उपचार भी नहीं किया जा रहा। सलोन क्षेत्र के माधोपुर निनैया गाँव के सुभाष तिवारी की पत्नी स्वाति तिवारी को सुबह लगभग 10 बजे बिजली का करंट लगने के कारण उन्हें गंभीर हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहाँ डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली। यहाँ तक कि जब हमारी बात वहाँ की नर्स स्टाफ से हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास आईवी सेट बीगो कुछ भी उपलब्ध नहीं है। मरीज की हालत को देखकर लग रहा था कि उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। तब भी वहाँ की नर्स ने कहा कि हमारे पास आईवी सेट इंजेक्शन आदि दवा, वहाँ पर इंजेक्शन नहीं है, आईवी सेट नहीं, बीगो नहीं है, बस मैंने यही कहा था और कुछ नहीं कहा था। अस्पताल में आपके पास ना बीगो सेट बीगो है ना टमाडोल इंजेक्शन है, ये सब इंजेक्शन आपके पास उपलब्ध नहीं है? नहीं, अस्पताल में उपलब्ध कुछ नहीं है। इंजेक्शन निकल, मैंने आईवी सेट वीवो कहा था भैया, मैंने जी जी हाँ, और मैं कुछ नहीं दे सकती हूँ गवाही, बस यही शब्द मैंने जो, बोला था। जो यहाँ पे अवेलेबल है वही तो देंगी। अवेलेबल आपके पास नहीं है, आपके पास दवाइयाँ बीगो सेट ये सब अवेलेबल नहीं है ना? नहीं है। डॉक्टर साहब यहाँ पे इंचार्ज कौन है, यहाँ के इंचार्ज कौन है? बीके बैसवार। आपका नाम क्या है? आप कहिए ना, बीके बैसवार से बात करो, बात खत्म। आप उनसे बात करिए ना, हमारी भी। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आप स्टाफ नर्स हैं ना यहाँ की? आप स्टाफ नर्स ही हूँ। हाँ, तो आप गई थी देखने ना स्वाति तिवारी को, आप गई थी देखने ना उसको? हाँ, देख गए थे। तो आपके पास, आपके पास उनके कुर्सी भी नहीं, वैसे गई भी नहीं। मरीज को लेके यहाँ आए, कितने लोग थे, कितनी नर्सें थी? इनके अगल बगल 3 नर्से बैठी हुई थी और ये भी बैठी हुई थी। मैंने इनको दिखाया कि मैडम ये दवाएं हैं और मरीज बहुत सीरियस हालत में, उसके मुंह से झाग आ रहा है, आप दवाएं दे दीजिए। तो मैंने उनको नाम पढ़ के भी बताया कि डीएनए सेरेंटिडाइन बीगो और आईबी सेट है। बोली हमारे पास कुछ नहीं, आप जाके लेके आओ बाहर से। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं, आप देख लीजिए। बोली कुछ नहीं, हमारे पास जो है कुर्सी। आपके साथ में और कोई था? हाँ, हमारे साथ 2 लोग और थे, उनसे भी कुर्सी से। कौन थे आपके साथ? आपके साथ और कौन था? पप्पू पांडे के शिवम। आप बताइए, आप क्या हुआ था जब आप यहाँ पे पेशेंट को लेकर आए थे, तो आप क्या हुआ था, क्या बोली थी? लेकर चाचा जब आए इनके पास जी, तो इनसे बोले तो ये बोली थी हमारे पास कुछ नहीं है, जब बाहर से जाकर लेकर आओ दवाई, तब जो है मैं इनका जो है ट्रीटमेंट चालू करूंगी। इनके पास दवा नहीं थी और बाहर से लेकर आए तो कुछ हो सकता है, दवा ला कर रख दो। हमारे सीनियर नर्स बॉय शोभा राम के आने पर कुछ हो सकता है। मैं जब हमारी बात डॉक्टर रुपेश से हुई तो उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हमारे पास सभी दवा उपलब्ध हैं। तो वहीं डॉक्टर रुपेश ने पर्चे पर बाहर की दवा लिख रखी थी। नर्स स्टाफ ने कहा कि हमारे पास ग्लूकोज की बोतल, आईवी सेट भी नहीं है। और वहीं डॉक्टर पी के बैसवार व डॉक्टर रुपेश के बाहर के मेडिकल स्टोर से खूब कमाई की जा रही है। तो वहीं अस्पताल में भर्ती महिला निशा पत्नी प्रमोद कुमार सांडा सैदन की रहने वाली है। वह 2 दिन पूर्व अस्पताल में डिलीवरी के लिए गई थी। उनके बच्चा होने के बाद डॉक्टर उनको देखने तक नहीं गए और उनसे दवा के नाम पर काफ़ी पैसा भी लिया जा चुका है। क्या नाम है? निशा। आप कब आई थी अस्पताल? क्या समस्या क्या थी आपको? डिलीवरी जो थी, तो डॉक्टर यहाँ पे जो ट्रीटमेंट आपकी डिलीवरी बच्चे को हुई है, तो डॉक्टर देखने आते हैं यहाँ पे? नहीं आते हैं। कितने दिनों से, जब से आप आई हैं यहाँ, डॉक्टर एक भी दिन नहीं देखने आए? उसके बाद आपको नहीं देखा गया? और ये दवा हुआ कहाँ से लिखी जाती है? दवा अस्पताल से मिलती है आपको या बाहर से लेकर आती है? सारी दवाइयाँ आप बाहर से लेकर आती हैं, पैसे से मिलती हैं सारी दवाइयाँ? यहाँ अस्पताल में कुछ उपलब्ध नहीं है? आपने डॉक्टर से और नर्स स्टाफ से किसी से बात की है, किसी बोला है कि हमको दवा चाहिए या कुछ? पैसा लेती हैं, पैसा लेती हैं वो। आपका बच्चा है ये? आपका बच्चा है ये? आप बेना क्यों हाँक रही हैं? लाइट व्यवस्था नहीं है क्या यहाँ पे? अच्छा, कोई व्यवस्था है यहाँ पंखे की? कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ऐसे बेना आप चलाती रहती हैं बच्चों को अपने, और यहाँ लाइट वाइट की कोई व्यवस्था नहीं है? स्टाफ में फालतू पंखा चल रहा है। जब हमारे संवाददाता ने एक दूसरे मरीज से बात की तो पता चला कि वहाँ पर मरीजों की दवा नहीं होती है, यहाँ तो पैसा वसूला जाता है। जब हमारी बात संतलाल पुत्र शुक्लाल निवासी पूरे मनसा शुक्ला दुबहन के रहने वाले से हुई तो उन्होंने बताया कि हमको यहाँ 1 महीने से लूटा जा रहा है, मेरे पास सरकार को दिया हुआ कार्ड भी है, तब भी यहाँ बिना पैसे कोई भी नहीं सुनता है। मैं यहाँ सोच कर आया था कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त दवा मिल जाएगी, तो आने पर पता चला कि साहब ने पूरी दवा बाहर से लिख दी है। जब हमारे पास पूरे पैसे नहीं होते हैं तो कुछ लाल पीली टिक्की अस्पताल से मुहैया कराई जाती है। स्वाति के परिजनों ने इसकी शिकायत डीएम नेहा
नेहा शर्मा से की है। परिजनों में काफी आक्रोश है। अस्पताल में ना तो पंखे की व्यवस्था है और ना ही स्टाफ के कर्मचारी ढंग से काम करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। एक तरफ योगी सरकार की नाकामी का सही नमूना सलोन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आप देख सकते हैं। ना कोई चेकिंग, ना कोई व्यवस्था, सिर्फ व्यवस्था के नाम पर केवल और केवल खानापूर्ति की जा रही है। आप यहाँ सरकारी अस्पताल आए थे सलोन में, तो आपको जो दवा लिखी गई है, डॉक्टर ने क्या बोला था आपसे? डॉक्टर ने बोला था कि जो खास की दवा यहाँ मिल जाएगी, बाकी दवा लिख रहा हूँ आप मेट्रो स्टोर पर से जाके लेंगे। कितने दिनों से आप दवा करवा रहे हैं यहाँ पे? हम लमसम 1.5 महीने दवा करवा रहे हैं। तो जो दवा आपको लिखी जा रही है, वो दवा सारी दवाइयाँ बाहर से लिखी जा रही है क्या? अस्पताल में डॉक्टर साहब बोलते हैं अस्पताल में कुछ उपलब्ध नहीं है दवाइयाँ? नहीं, वो स्टोर पे जाओ तो कहता कि पर्ची वहाँ से लिखो वाला, जो पर्ची यहाँ से देते नहीं तो वहाँ जो है दवा मिलती नहीं। किस स्टोर पे भेजते हैं? मतलब अंदर स्टोर पे पहले भेजते हैं, जब पर्ची वहाँ से लिखेंगे अलग से पर्ची बना के देंगे तब तो अंदर दवा मिल जाती है, और जो मतलब जो है उसमें लिखेंगे नहीं पर्ची अलग से बना के, तो बाहर जाके दवा खरीदिए कहीं, तो बाहर की दवा बाहर जाकर लो। बाहर कहीं मेडिकल स्टोर फिक्स है या कहीं कहीं से भी ले सकते हैं? और बाहर कहीं मेडिकल स्टोर से लाओ जाके, तब वे कहते हैं कि जो है मतलब ये दवा सही नहीं है, इसको बदल के लाओ, नकली दवा है। और जब जो है यही सामने से दवा ले ली जाती है, उसको दिखाया जाता है, कहें हाँ ये ठीक है। कितने ये जो आप मतलब इसमें जो है अगर 190 रुपये लिखा है तो उसमें 99 पैसे मतलब डिस्काउंट नहीं होता, आपको छूट नहीं दी जा सकती, कोई नहीं दी जाती है। ये जो आपके सामने दवा रखी है, यही सब दवा डॉक्टर साहब ने बाहर से लिखा है? जी हाँ। और आपके पास कार्ड भी है, सरकारी कार्ड आपका बना है? कार्ड या मेरे पास है। तो जब आप इसको दिखाते हैं तो क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? इसका कोई मतलब नहीं। क्या बोलते हैं? मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो करना है कि नहीं करना। अच्छा, डॉक्टर यही बोलते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो करना है कि नहीं करना, और इस कार्ड का कोई मतलब नहीं है? कार्ड कोई मतलब नहीं। आप ले जाइए कार्ड, तो कार्ड दिखाने से यहाँ दवा नहीं होती है? कार्ड से कोई दवा नहीं। और यहाँ पे और जो डॉक्टर हैं वो क्या कहते हैं आपसे, जब उनसे मिलते हैं आप उनसे दवा करवाने के लिए जाते हैं? केवल उन्हीं से मिल रहे हैं। डॉक्टर बैसवार जी, यही वो सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलोन के जी।